लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई शिवसेना के शहर संगठक शीतल कचरे ने माथाड़ी कामगारों के लिए फ्री वैक्सीनेशन करने की अपील की है। शीतल कचरे ने मनपायुक्त अभिजीत बांगर को लिखित निवेदन देकर माथाड़ी कामगारों को फ्री कोविड वैक्सीन देने की मांग की है। दरअसल माथाड़ी हॉस्पिटल में मापाड़ी और माथाड़ी कामगारों को 250 रुपए लेकर कोरोना वैक्सीन दी जाती है। शीतल कचरे की मांग है कि माथाड़ी कामगार भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी फ्री वैक्सीन दी जानी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना की महिला शहर संगठक शीतल कचरे ने माथाड़ी कामगारों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की मांग की है। मनपायुक्त अभिजीत बांगर को निवेदन देने के बाद शिवसेना नेत्री शीतल कचरे ने कहा कि एपीएमसी मंडियों में सेवा देने वाले माथाड़ी कामगार भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, फिर भी उनसे वैक्सीन के लिए 250 रुपयों की वसूली की जा रही है। बताना जरूरी है कि माथाड़ी कामगारों के लिए कोपरखेरने के माथाड़ी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की सुविधा की गई है। हालांकि छूट का प्रावधान नहीं होने से वहाँ वैक्सीन के लिए 250 रुपये देने पड़ते हैं। शीतल कचरे ने कहा कि माथाड़ी श्रमिक हैं और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट झेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर की तरह फ्री में वैक्सीन दी जानी चाहिए। वैक्सीनेशन चालू होके महीना हो गया, लेकिन कोपरखेरना ऐसा इलाका है जहाँ पे मोस्टली माथाड़ी ज़्यादा रहते हैं, बट अभी तक कोपरखेरना में पालिका का एक भी मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। इसीलिए हमने पूरे कोपरखेरने जहाँ पे माथाड़ी वर्ग सबसे ज़्यादा है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि हर एक मेंबर को घर के सभासद को 250 रुपये पे करके वैक्सीनेशन ले सकता है, इसीलिए हमने माथाड़ी लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन केंद्र जैसा पालिका का अपना चालू है, वही एक सेंटर, कम से कम एक सेंटर तो हमारे कोपरखेरने इलाके में दिया जाए और उसमें दिव्यांग व्यक्ति, पैरालिसिस हो, दिव्यांग हो या ज्येष्ठ नागरिक हो, उनके लिए तुरंत वैक्सीनेशन किया जाए, उनको लाइन में खड़ा ना रहने पड़े, क्या कि उनको तकलीफ ना हो, ये मांग की है। और आयुक्त साहब ने उस बारे में जल्द ही कोई तो रास्ता निकाला जाएगा ये बताया है। गौरतलब है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद वैक्सीनेशन केंद्रों पर भीड़ लग रही है। ऐसे में शीतल कचरे की मांग है कि माथाड़ी कामगारों को माथाड़ी हॉस्पिटल के साथ ही अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री वैक्सीन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माथाड़ी कामगार जान का जोखिम लेकर एपीएमसी मंडियों में दिन रात काम कर रहे हैं, कोरोना ने इनमें से कईयों की जान ले ली है, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए शीघ्र टीकाकरण होना चाहिए। हमने माथाड़ी कामगार जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनके लिए ही, और ज्यादा से ज्यादा माथाड़ी वर्कर और उनके फैमिली के लिए फ्री वैक्सीनेशन सेंटर, ताकि पूरे कोपरखेरने इलाके में एक भी पालिका का वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, वो वैक्सीनेशन सेंटर फ्री में हो जाए, इसलिए हमने फ्री पालिका का वैक्सीनेशन सेंटर मांगा है। हमें प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर नहीं, पालिका का फ्री वैक्सीन करने वाला सेंटर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।